दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है ताजमहल। भारत की एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर, सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की खूबसूरती को शब्दों में कहना बहुत कठिन है। ताजमहल को विभिन्न देशों से आमंत्रित शिल्पियों और कारीगरों ने तराशा और सवारा। इसे नायाब हीरों, जवाहरातों और रत्नों से सजाया गया। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है। ताजमहल को किसने बनवाया और क्यों, ये जानने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। ताजमहल को 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये बात है सन 1628 ईस्वी की, जब मुगल बादशाह जहांगीर के बाद उसका बेटा खुर्रम गद्दी पर बैठा, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का अर्थ है किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां का निकाह सन 1612 ईस्वी में बहुत ही खूबसूरत अर्जुमंद बानो से हुआ। अर्जुमंद बानो नूर जहां की भतीजी और सम्राट जहांगीर के वजीर मिर्जा रियास बेग एतमादुद्दौला की पोती थी। इन्हें सबसे ऊंचा खिताब मुमताज महल का मिला। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर सैनिक अभियानों में शाहजहां के साथ जाती थी। सन 1631 ईस्वी में जब शाहजहां एक सैनिक अभियान के लिए निकला तो मुमताज महल उनके साथ थी। वो गर्भवती थी। 14वें बच्चे के जन्म के अवसर पर रास्ते में बुरहानपुर में मुमताज महल बहुत बीमार पड़ गई। अपने बचने की कोई उम्मीद न देखकर उसने शाहजहां से कहा, मेरे मरने पर ऐसा मकबरा बनवाएं जो अतुलनीय हो। शाहजहां ने बेगम मुमताज महल से किए वायदे को निभाया और उसकी याद में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे एक बेहतरीन मकबरा बनवाया जो ताजमहल कहलाया। मूल रूप से इसे रोजाए मुनव्वरा और रोजाए मुमताज महल का नाम दिया गया, किंतु बाद में ये ताज महल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय ये जगह राजा मानसिंह के पोते राजा जयसिंह का बगीचा था। शाहजहां ने चार हवेलियों के बदले ये बगीचा राजा जयसिंह से खरीद लिया था। ताजमहल को देखे बिना शाहजहां एक दिन भी नहीं रह पाता था। उसके महल में एक ऐसी जगह थी जहां से वो ताजमहल देख सकता था। कहते हैं जब उसके बेटे औरंगजेब ने उसे अपने ही महल में कैद कर लिया तो वो यहीं से दिन का ज्यादातर समय ताजमहल को निहारने में बिताता था। जब पहली बार विशाल दरवाजे से
ताजमहल की भव्य इमारत दिखाई देती है तो कुछ पलों के लिए देखने वाला निशब्द रह जाता है और उसके ठीक सामने के बगीचे के इन दृश्यों को भला कौन भुला सकता है। ये रास्ता जाता है ठीक उस विशाल चबूतरे की ओर जिसके बीचों बीच है ताजमहल। बहुत ही आकर्षक है इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी की सजावट, जिसमें रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियों को बनाया गया है और कहीं कहीं इनमें खाली जगह दिखाई देने वाले गड्ढों में कीमती रत्न थे जिन्हें बाद में आक्रमणकारियों ने निकाल लिया था। ताजमहल के अंदर है शाहजहां और मुमताज महल की कब्रगाहें। पर ये बनावटी है, प्रतीक रूप में है। इसके ठीक नीचे तहखाने में असली कब्रगाहें हैं। जहां ठंडक और अंधेरा है, अगर इसे रोशनी में देखा जाए तो ये जड़ाऊ जेवरों का डिब्बा जैसा दिखाई देता है। यहां भी छत और दीवारों की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। सन 1633 ईस्वी में ताजमहल बनाने का कार्य शुरू किया गया था और इसे 20,000 श्रमिकों ने 17 वर्षों में बनाया था। इसमें लगाया गया संगमरमर राजस्थान के मकराने इलाके से लाया गया था। ताजमहल में लगाए गए रत्न और हीरे जवाहरात हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों और अरब और फारस देश से मंगाए गए थे। ताजमहल को टर्की, फारस, अरब देश और हिंदुस्तान के कुशल शिल्पियों, दस्तकारों, मिस्त्रियों, पत्थर तराशने वाले कारीगरों, पच्चीकारों, गुलतराशों, चित्रकारों, गुंबदराजों आदि बेहतरीन कलाकारों ने तराशा है। ताजमहल धरती पर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सुंदर रचना है। भारत की मिलीजुली संस्कृति और बेहतरीन कलाओं का ये अद्भुत नमूना है ताजमहल। दिन भर आकाश के अलग अलग रंग जब यमुना नदी में झिलमिलाते हैं तो उनके अक्स ताजमहल को नए नए रंगों से सराबोर करते हैं। पूर्णिमा के दिन ताजमहल देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। पूर्णिमा के चांद की चांदनी में नहाया हुआ ताज इस देश के बाशिंदों से कहता है, दोस्तों ये तुम्हारी अतुलनीय धरोहर है, संभाल कर रखना।